नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप भी पता है लोगों के क्या आ रहे हैं, सर दुबई के लिए वीज़ा कब से स्टार्ट हो रहे हैं। सब जगह क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास भी आते होंगे, आप और जगह दूसरी जगह भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, इंडियन एम्बेसी में भी आप कॉल वगैरह मैसेज वगैरह या टेक वगैरह कर रहे होंगे कि भाई इंडिया के लिए, दुबई के लिए इंडिया से वीज़ा कब स्टार्ट होंगे। जी हाँ, बाकी अगर देखा जाए तो दुबई ने तो भाई वीज़ा स्टार्ट कर दिए, लेकिन इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ होने वाला है आगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। मैं बता दूँ भाई, इंडियन एम्बेसी जो यूएई में स्थित है, पवन कुमार जो पवन कपूर जी हैं, उनका कहना है कि इंडियन ईमेल आईडी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर जी यूएई के लिए इंडिया से वीज़ा कब स्टार्ट होंगे, वीज़ा, जी हाँ, इंडियन लोग दुबई कब आ सकते हैं या वीज़ा कब स्टार्ट होंगे वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज 200 मेल आ रही है, आप समझ सकते हैं कि एवरेज इंडिया के 200 मेल इंडियन एम्बेसी दुबई जा रहे हैं, वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरीज है, और 800 से 1000 ईमेल अब तक आ चुके हैं, जी हाँ, 5-7 दिन के दौरान कि वीज़ा से रिलेटेड। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई दुबई ने, यूएई ने वीज़ा स्टार्ट कर दिया, आप सबको पता है बहुत टाइम हो गया वीज़ा स्टार्ट किए हुए, अभी भी 7 अगस्त से सब कुछ रिटर्न में दोबारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंडिया के लिए भाई ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक, देखिए सीधी सीधी बातें करें तो इंडियन आदमी अभी तक विजिट वीज़ा वाला कोई वीज़ा नहीं निकल पा रहा है, आपको आपको सबको पता है, कोई वर्क परमिट नहीं निकल पा रहा है, अभी लोग वही जा पा रहे हैं जिनके वर्क परमिट वीज़ा पासपोर्ट में लगे हुए हैं, जी हाँ, और मोहर लगी हुई है इमिग्रेशन की, वो ही लोग दुबई जा पा रहे हैं, यानी पुराने वाले, नया कोई बंदा नहीं जा रहा है। लेकिन अब सोचने की बात है कि जब फ्लाइटें भी नॉर्मल तरीके से वंदे भारत मिशन 5 के तहत चल रही हैं और वीज़ा उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो फिर वीज़ा, विजिट वीज़ा की बात करें, परमिट तो चलो थोड़ा बड़ा हो जाता है, विजिट वीज़ा का ऑप्शन होना चाहिए। अभी कपूर साहब ने ये बोला है कि भाई जल्द ही इस मैटर पे समाधान कर लिया जाएगा, सरकार की वार्ता चल रही है, हो सकता है इंडियन सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है कि भाई यहाँ से विजिटर वहाँ जाएँ, क्योंकि देखिए अगर अपने इंडिया में COVID-19 बढ़ रहा है, आपको पता है 2 मिलियन से ऊपर हो रहे हैं, 35-40 हज़ार के करीब मौत हो चुकी हैं, तो इंडियन आदमी बाहर के देशों में जाते हैं और वहाँ जाके पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आती है तो एक कंट्री की निगेटिविटी सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं फिर दूसरे लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। सरकार बहुत सारे आपने देखा होगा कि एक दूसरे पर बैन लगा देते हैं, समझ रहे, तो हमारी सरकार ये नहीं चाहती, इस वजह से हालांकि यूएई सरकार तैयार है, वीज़ा वगैरह एकदम कंप्लीट है उनकी तरफ से, लेकिन अभी इनके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि विजिट वीज़ा भी इंडियन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया के लिए, और परमिट तो चलो थोड़ा सा बड़ी हो जाता है, लेकिन उम्मीद ये है कि इसी अगस्त महीने में दोनों वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा और विजिट वीज़ा स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएँ जताई गई हैं। ये ऐसा इंडियन एम्बेसी यूएई में जो कपूर साहब हैं, राजदूत हैं, उन्होंने ये बात बताई है, उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जल्द ही कॉम्प्रोमाइज करके इस पे सुविधा स्टार्ट हो जाएगी जैसे सेम वर्क परमिट वालों पे हुई थी। साथियों शॉर्ट में इसमें बात यह है कि भाई जो इंक्वायरीज होती हैं उसमें इंडियन एम्बेसी भी पूछताछ करेगी कि भाई किस तरह के वीज़ा वाले ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, उसी बेस पे सरकार निर्णय लेगी और बहुत जल्द इसमें न्यू अपडेट आने वाली है विजिट वीज़ा वर्क परमिट न्यू के लिए। जी हाँ, जैसे मान लीजिए वर्क परमिट विजिट वीज़ा तो दुबई ने स्टार्ट कर दिए, तो मेन तो वही है कि भाई बंदा विजिट वीज़ा लेके जाए, वहाँ पर चाहे घूमने के लिए जाए, चाहे वीज़ा जॉब से रिलेटेड जाए, तो इस पर नई अपडेट अभी जल्दी आने वाली है। तो वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो जैसे ही मैं नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।